हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड आर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं लेक्चर नंबर वन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर टू, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। आखिरकार प्लांट का और वाटर का आपस में क्या रिश्तेदारी है, उनमें कुछ बातें आने वाली हैं। वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और इम्बाइबिशन। हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। पहले वाले हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया 11.2, यहाँ हम लोग कवर करेंगे, सॉरी 11.1 वहाँ कवर कर लिया था, यहाँ कवर करने वाले हैं 11.2 और उसकी सब हेडिंग्स। क्लियर है? तो एनसीईआरटी सामने रखें और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्लांट वाटर रिलेशन में से मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2। क्लियर है? दिख रहा है ये? गुड। तो प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट और पानी की क्या रिश्तेदारी है, आओ देखते हैं। तो कह रहा है ये हमसे, क्या कह रहा है ये, कहती है किताब हमसे, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या होती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी? मैं पहले बता चुका हूं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में लिखते चलो सांस लेना, खाना पचाना। अब प्लांट की बात करें तो खाना बनाना भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, लिखते चलो फोटोसिंथेसिस वगैरह, प्लस वेस्ट निकालना, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी, हम लोग अपने इंसानों की बात करें तो हमारी फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या हो जाएंगी, देखा है ना। डॉक्टर जो होते हैं उनके आगे क्या लिखा होता है, फिजिशियन, यानी कि हमारा डाइजेशन, खाना पचाना, सांस लेना, ये सारी बातें हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहलाती हैं, जिनके अगर ये नहीं होंगी तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो वाटर जरूरी है उसके सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ऑफ द प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी, प्लांट के साथ साथ हर एक ऑर्गेनिज्म में पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम, ये एक माध्यम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व। सबसे बड़ी तो इसकी यही खासियत है, हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, ठीक है, पीने के तो खैर वो खुद है ही लिक्विड, जो खा रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होकर पूरे ब्लड में सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये हमारी बात कर ली मैंने। प्लांट में भी सेम यही चीज है, रूट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के अंदर, डिजॉल्व हो गए और वो चलते चले जाते हैं पूरे पूरे प्लांट के अंदर, और जहां जैसी जरूरत है वहां पे उसका इस्तेमाल होता है। पानी के अंदर अगर ये डिजॉल्व नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। बात समझ में आई क्यों सब्सटेंस का डिजॉल्व होना जरूरी है। द प्रोटोप्लाज्म, किसको ये टर्म नहीं पता, भूल गए, द सेल चैप्टर में पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, इसके अंदर जो भी कुछ ये भरा हुआ है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, भूल गए सब, भूल गए, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को छोड़ दें, अगर याद दिला दे रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को छोड़ दें अगर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। इसको और इसको मिलाकर के क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बता दे क्योंकि यहां पर जिक्र आएगा इसका। क्लियर है? ओके चले आगे, डन। तो कह रहा था प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट द वाटर इन विच, प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग, कुछ और नहीं है बट वाटर है, पानी है, इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड, जिसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल उसके अंदर डिजॉल्व हो गए, तो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है वो, एंड सेवरल पार्टिकल्स सस्पेंडेड, है ना, एंड सस्पेंड, डिजॉल्व हो गए हैं या सस्पेंड हो, जो घुलेंगे नहीं वो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब जैसे पानी के अंदर रेत डाल दो तो सस्पेंशन बन जाता है, जो डिजॉल्व नहीं होगा तो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के लिए जरूरी है वो डिजॉल्व हो रखे होते हैं या सस्पेंड फॉर्म में रहेंगे। अब क्या कह रहा है, अ वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर, जो वाटरमेलन है उसके अंदर 92, एक मिनट डाटा दे रहा है, ये कर ली उसने जनरल बातें, यहां से यहां तक क्या हो गई जनरल बातें। मैंने कहा ना एनसीईआरटी किताब हमें कुछ बातें बताती है फिर बीच में कुछ डाटा देने लगती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहां तक उसने कुछ बात बताई, अब ये डाटा दे रहा है हमको कि देखो जो ऊपर वाली बात से कैसे कोरिलेट करें बातों को। तरबूज के अंदर 92% पानी है, मोस्ट हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस मैंने बताया धनिया टाइप का, इसके अंदर लकड़ियां नहीं होती हैं, हैव ओनली अबाउट 10-15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट,
एज ड्राई मैटर, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, मोस्ट हर्बेसियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10-15% ऑफ इट फ्रेश वेटर फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। यानी कि अगर मैं पूरा धनिया उठा लूं, सपोज मैंने 100 किलो धनिया ले ली, ठीक है, उसमें से मात्र अगर मैं उसको उसके अंदर पानी निकालूंगा ना, तो 100 में से 90 से 85 लीटर पानी निकलेगा, बाद बाकी सारा क्या होगा उसका ड्राई मैटर। जो उसका ड्राई मैटर पता है ना, हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल वाले में ड्राई मैटर क्या होता है, पानी निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है, ड्राई मैटर, वो मात्र 10 से 15 किलो ही होगा उस 100 किलो धनिया में। तो परसेंट के हिसाब से मैंने 100 किलो की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि कितना सारा पानी होता है इसके अंदर, हम कह सकते हैं 100% में से 85% इसके अंदर पानी है, है ना। अब यहाँ बात को देखो, यहाँ पे इसने बोला 92% पानी है, उल्टा बोल सकता था कि 8% उसका ड्राई मैटर है, यहाँ उसने बोल दिया ड्राई मैटर, ये पानी नहीं है 10 से 15%, ये उसका ड्राई मास है, ठीक है ना। 90 से 85% पानी है उसके अंदर। अफकोर्स हम कहते हैं ना, अफकोर्स वाई नॉट, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर पानी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरीज, अलग अलग होता है। वुडी पार्ट, जो लकड़ी वाला ठोस पार्ट होता है, तना होता है, हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, उसके अंदर जाहिर सी बात है ना के बराबर पानी होगा। वाइल्ड सॉफ्ट पार्ट, जो प्लांट के नाजुक हिस्से होते हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, मोस्टली कंटेन, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मोस्टली कंटेन वाटर, उन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, उसी के अंदर मेन पानी पाया जाएगा। तो देखो यहां से क्वेश्चन ये कराइज हो सकता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन मोर वाटर एंड विच लेस, तो वुडी पार्ट के अंदर कम है, सॉफ्ट पार्ट के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना। हर्बेशियस प्लांट के अंदर कितना परसेंट पानी होता है, अब यहां बच्चा कुछ लगा देगा कि हर्बेशियस पढ़ा था हमने 10 से 15, गलत हो जाएगा, ये उसका ड्राई मैटर का वेट है ना, क्लियर है, ओके। अ सीड, अब एक नया डाटा दे रहा है यहां पर, न्यू डाटा, अ सीड में अपियर ड्राई, एक सीड ऐसा लगता है बादाम खाते हो, चने खाते हो, ऐसा लगता है सूखे हैं, मर गए हैं, बट मरे नहीं, मरे होते तो जमीन में जब उसे बो देते तो उगता कैसे, वो नहीं उगता, वो इसका मतलब वो जिंदा है, हमको मरे हुए लग रहे हैं। हम कह सकते हैं उस कंडीशन को एक्चुअली नाम दिया गया डॉर्मेंट कंडीशन, एक तरह से हम कह सकते हैं कोमा, जैसे इंसान कोमा में चला जाता है ना, वो भी कोमा में है, ठीक है, जैसी न्यूट्रिशन मिलता है वो अपना तुरंत जिंदा मतलब फॉर्म में आ जाते हैं। सीड में अपीयर ड्राई, वो सूखा लगता है बट स्टिल हैज वाटर, उसके अंदर भी पानी होता है, लगभग हम कह सकते हैं 14% और 15% से भी कम पानी होता है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग, अगर ऐसा नहीं होता तो जिंदा नहीं होता और वो सांस नहीं ले रहा होता, मतलब सांस लेने का मतलब है अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, क्लियर है। अब देखो एक डाटा ये हो गया, एक डाटा ये आ रहा है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, जमीन पे रहने वाले उगने वाले पौधे, उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो पानी में होते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं, ओके लिख लो, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, जमीन के पौधे जो होते हैं प्लांट होते हैं, टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी लेते हैं डेली रोज के रोज, बट मोस्ट ऑफ इट, पानी तो बहुत खींचते हैं बट ज्यादातर जो पानी उन्होंने लिया एब्जॉर्ब किया उसमें से लॉस टू द एयर थ्रू एवोपोरेशन फ्रॉम द लीफ, उनके पत्तों से पानी निकल निकल के वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका फायदा क्या हुआ जब पानी खींच के उड़ाई दे रहा है, तो बच्चा फायदा इसका यही है, जब पानी खींचता है ना तो उसके साथ में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब पानी तो उड़ गया, वो न्यूट्रिएंट्स जहां जहां प्लांट को जरूरत थी वहां पे इस्तेमाल हो गए, पानी भी जहां जहां जरूरत थी इस्तेमाल हो गया, एक्स्ट्रा पानी उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमें क्या चाहिए था प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, पानी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया उसने, बाद बाकी मेन जरूरत किसकी थी, न्यूट्रिएंट्स की, जो पानी के साथ खींच करके ऊपर आता है, क्लियर हो गया। इसीलिए ट्रांसपीरेशन बहुत जरूरी है, प्लांट के अंदर से पानी का उड़ना बहुत जरूरी है। अब मैच्योर, अब देखो इतनी बात बोल के उसने कहानी खत्म कर दी प्लांट की बात करने के बाद, अब एक ये डाटा दे रहा है, अ मैच्योर कॉर्न प्लांट, कॉर्न भुट्टा एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी ले लेता है। वाइल अ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड सरसों एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, वो अपने वजन के बराबर पानी रोज ले लेता है, इन अबाउट 5 आवर, 5 घंटे में ही अपने वजन के बराबर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर, यहां उसने डाटा दे दिया, ये खत्म कर दिया। अब वो एक बात बता रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर, इस हाई डिमांड ऑफ वाटर की वजह से इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, डेट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि हम ये सरप्राइजिंग नहीं, इतना ज्यादा पानी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है बिना पानी के उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया, लिमिट कर देगा। तो वाटर इज अ
लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ, एक क्वेश्चन बना तुम्हारा ये, ठीक है, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, दोनों में ही प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। बिना पानी के ना तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर चढ़ेंगे, पानी की जरूरत तो है ही बाद बाकी बहुत सारी चीजों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। बात समझ में आई, क्लियर है, चले आगे। तो ये होगी कुछ जनरल बातें। अब एक बड़ा ही अजीब सा टॉपिक आता है, बच्चे कुछ बड़ा कंफ्यूज रहते हैं वाटर पोटेंशियल को लेकर के, तो बहुत आराम से समझें इसे। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल की हिंदी तो वही है क्षमता, पानी की क्षमता। अब पानी की क्षमता से मतलब क्या समझें कि पानी की क्षमता है क्या, आओ देखते हैं, पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं, मजा आएगा। कह रहा है टू कॉम्प्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशन, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, टू अगर हम समझना चाहते हैं, टू कॉम्प्रीहेंड या समझाने के लिए, प्लांट वाटर रिलेशन को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, समझाने के लिए, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुछ टर्म्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कौन से टर्म आ गए, पहला टर्म वाटर पोटेंशियल, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वाटर पोटेंशियल समझ में नहीं, मतलब प्लांट वाटर का जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, वो बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कह रहा है वाटर पोटेंशियल जिसको हम लोग, ये सिंबल किसका है, साई का सिंबल किसका है, ये साई का, साई यहाँ पे बेस पे क्या लिख रहे हैं, डब्लू। तो वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट। पानी के मूवमेंट को अगर प्लांट में समझना है, वाटर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, पानी कहां से कहां मूव करता है, तो उसके लिए हमें वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फिर कह रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस एंड प्रेशर पोटेंशियल साई पी आर ऑफ टू मेन कॉम्पोनेंट, ये दो मेन कॉम्पोनेंट हैं दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन बन गया, वाटर पोटेंशियल को कौन डिटरमाइन करेगा या कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। इसने डाटा दिया, इतना अच्छी बात है, अब समझना है हमको। ये तीन टर्म बच्चों को समझने में थोड़ी सी क्या रहती है, दिक्कत रहती है, तो समझेंगे आराम से, प्यार से समझेंगे इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझते हुए चलते हैं इसको। क्या बोलता है आगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अभी तुम यहां तक तो मेरे ख्याल से आ गए हो, इस चैप्टर को पढ़ रहे हो बायो में, अगर सीक्वेंस से पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके होगे, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं तुम्हें पता ही होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं, और लगातार उनके अंदर क्या रहती है, मोशन में रहने का मतलब क्या, उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो वही बात बता रहा है, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, इवन इन सॉलिड, तुमको बहुत अच्छे से शायद पता होगा कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, सॉलिड के अंदर भी जो पार्टिकल होता है ना, वो वाइब्रेट करता है अपनी जगह पर, एक जगह पर नहीं होता है, ठीक है। नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट भी फिजिक्स में तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट गैस, अगर चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हो केमिस्ट्री का, क्लास 11th का, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हो, उसमें पार्टिकल मोशन में रहता है, उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल पजेस काइनेटिक एनर्जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, भले लिक्विड है तो क्या हुआ, मोशन में होता है। इन लिक्विड एंड गैसेस, देखो दोनों की बात कर रहा है, फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, ये रैंडम मोशन में रहते हैं, जिग 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 चल रहे हैं इस तरीके से, दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट, जो कि बहुत तेज और लगातार कॉन्स्टेंट होता है, मतलब जिस रफ्तार से चलेगा उसी रफ्तार से चलेगा, लेकिन बहुत तेज तेज चलता है। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, पानी जितना ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन मतलब पानी का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। हम ये मान के चल रहे हैं जितना ज्यादा पानी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल, यानी कि यहां पर बच्चों देखो एक बात दिमाग में डाल लो, काइनेटिक एनर्जी को ही उसने क्या बोल दिया है, वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल मार्क कर लेना इसको, साइड में लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी ही वाटर पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी ही वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। तो ठीक है, वाटर पोटेंशियल समझते हैं आगे क्या बोल रहा है, यानी कि पानी की क्षमता किससे नापी जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी से नापी जा रही है। Hence, it is obvious dash, इसीलिए ये obvious है, स्पष्ट है, that pure water will have the greatest water potential। अब प्योर वाटर के अंदर तो सिर्फ पानी होगा, प्योर वाटर के अंदर तो सिर्फ पानी होगा। अब वापस आते हैं, थोड़ा सा एक लाइन पीछे आते हैं, जहां बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि यहां देखो ये बात हो रही है, मान लो दो बीकर है, दोनों के अंदर 100 ml पानी है, लेकिन ये प्योर वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, साथ में कुछ नमक भी डाल दिया, क्या डाल दिया,
नमक भी डाल दिया, तो इसके अंदर अब क्या है, कुछ दूसरी चीज पड़ी हुई है, प्योर नहीं है, तो इसके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा माना जाएगा, इसके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कुछ कम माना जाएगा। क्यों? देखो जो नमक यहां गया है ना, जब पार्टिकल नमक का जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या करेगा, पानी के कुछ मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेगा। जब पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ आगे चिपक जाएंगे तो उनका मोशन तो रुक गया ना, कहीं ना कहीं उनका मोशन रुका कि नहीं गया, तो कहीं ना कहीं जो फ्री वाटर है या वाटर कंसेंट्रेशन है वो क्या कहा गया है, कम हो गया, या फिर उसी वाटर पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो यहां पर कितने 1000 मॉलिक्यूल थे, यहां पर भी कितने थे 1000 पानी के मॉलिक्यूल थे, नमक डाला यहां केवल कितने रह गए 800, लेकिन यहां अभी भी कितने हैं 1000, तो काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है और यहां कम हो गई। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले आगे। ओके, तो हैंस इट इज ऑब्वियस, इसीलिए स्पष्ट है दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ओके, इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टेक्ट, कह रहा है अगर दो सिस्टम जिनके अंदर पानी है उनको जोड़ दें तो वो लाइन टू लाइन समझते चलेंगे, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, रैंडम मोशन ऑफ पानी है ना, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो रैंडम मूवमेंट होगा पानी के मॉलिक्यूल का विल रिजल्ट इन, इसका परिणाम क्या होगा, विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का जो नेट मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी टू वन विद लोअर एनर्जी, या सिस्टम विद हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन विद लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना, तो क्योंकि प्योर वाटर का ज्यादा होता है, वाटर पोटेंशियल को भी और सभी और डिटेल में जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे एक टर्म आ गया, किसके टर्म में आ गया, ये एनर्जी के टर्म में आया, किसके टर्म में आ गया, एनर्जी के टर्म में, क्लियर है। तो सिस्टम विद हायर एनर्जी टू द वन विद लोअर एनर्जी, पानी कहां से कहां मूव करेगा, यानी कि ऑब्वियस ही बात है अगर इन दोनों सिस्टम को मैं जोड़ दूं तो पानी यहां से यहां मूव करना शुरू कर देगा, ये बात स्पष्ट है, क्लियर है, चले आगे। कह रहा है दस, इसीलिए वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर पोटेंशियल, वही वाली बात आ गई, चाहे हायर एनर्जी कर लो चाहे हायर पोटेंशियल, टू द वन हैविंग द लो वाटर पोटेंशियल, पानी हमेशा हायर एनर्जी से लो एनर्जी कह लो, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ही वाटर पोटेंशियल है, या हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कह लो, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट, अब बच्चों की बात समझ में नहीं आती है, ग्रेडियंट में पहले बता चुका हूं, ग्रेडियंट मतलब किसी चीज का डिफरेंस, किसी चीज का डिफरेंस, जैसे कि मान लो ये दो चैम्बर हैं ए और बी, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कुछ कम है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कुछ ज्यादा है, तो दो चीजों का जब डिफरेंस होता है आजू बाजू में तो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी कम ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर कम ज्यादा है, जहां ग्रेडियंट लग जाएगा दो सेम ही चीज होंगी, प्रेशर प्रेशर, वेलोसिटी वेलोसिटी, और वो कम ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट मतलब जहां पे डिफरेंस मतलब कम है, ऑफ फ्री एनर्जी, जहां एनर्जी कम है उस तरफ जब मूवमेंट होता है इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यही तो डिफ्यूजन है, चाहे गैस के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, पानी के टर्म में बता रहे हैं हम लोग जो पानी जहां फ्री एनर्जी ज्यादा थी वहां से जब लो की तरफ बढ़ेगा, यही तो डिफ्यूजन है अपने आप, तो डिफ्यूजन की परिभाषा आ गई इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डिफ्यूजन की परिभाषा हो सकता है एग्जाम में दे दे, क्या ये डिफ्यूजन कहलाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, वो बोलेगा कि व्हेन वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन, या बोलेगा व्हेन वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बात समझ में आ रही है, तो ये टर्म बड़े यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना, अभी आगे ना क्वेश्चन आएगा, इसको भी क्योंकि पोटेंशियल है तो इसको और कहीं ना कहीं प्रेशर का रोल रहेगा यहां पर, तो इसको भी हम लोग पास्कल में डोनेट कर रहे हैं, प्रेशर यूनिट होती है ना पास्कल, पता है ना, अगर गैसेस वाला चैप्टर पढ़ चुके हो केमिस्ट्री का तो पता होगा पास्कल, बार, एटीएम, ये सब किसकी यूनिट है, प्रेशर यूनिट है, तो कहीं ना कहीं हम इस पोटेंशियल को प्रेशर की यूनिट में नाप रहे हैं, ठीक है ना, इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, साफ साफ कह रहा है, और वो यूनिट क्या है, पास्कल, क्लियर। तो मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, करेंगे बढ़िया से। बाय कन्वेंशन मतलब मान लिया द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लगभग वही रूम टेम्परेचर होता है,
विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, किसी प्रेशर पे नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इज टेकन टू बी जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियलिटी ये है प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना नाप नहीं सकते ना हम लोग, उसका मोशन वगैरह नापना बड़ा मुश्किल है, तो हमने उसको जीरो मान लिया कि इसको प्योर वाटर को जीरो बोल दो, क्या बोल दिया जीरो। अब प्योर वाटर का जीरो बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है जिसमें नमक डाला हुआ है उसमें क्या होगा, एनर्जी कम होगी तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो देखो वही कहानी अभी आगे आने वाली है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन है, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, क्लियर। आगे आते हैं क्या कह रहा है, इफ सम सॉल्यूट, अगर हम कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें प्योर वाटर में, द सॉल्यूशन हैज सॉल्यूशन, अगर हम जैसी सॉल्यूट के अंदर प्योर वाटर, देखो मैं वो ये कहानी लेके आ रहा हूं फिर से, यहां पर ये रहा ठीक है पानी, इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर मैं डाल दूं सॉल्यूट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो जैसे सॉल्यूट डालूंगा तो हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से, इस सॉल्यूट से आकर के कुछ वाटर मॉलिक्यूल आकर चिपकेंगे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे मेरे पास, जो वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए उधर चिपके गए ना वो तो मोशन नहीं करेंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए। तो कह रहा है जैसे ही इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करता हूं प्योर वाटर में, द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल, उसके पास अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कुछ कम रह जाएंगे, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज, फ्री एनर्जी ऑफ पानी, यानी कि वो तो मॉलिक्यूल चिपक गए ना तो कुछ ही मॉलिक्यूल मतलब कम हो गए, तो फ्री एनर्जी उसकी डिक्रीज कर जाएगी, या यूं कह लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा, या फ्री एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, या वाटर पोटेंशियल, फ्री एनर्जी मतलब वाटर पोटेंशियल उसका डिक्रीज कर जाएगा, जीरो से नीचे जाने पर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करने पर नेगेटिव, जीरो से नीचे डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव, क्लियर है बात। क्यों वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, ये बात समझ में आ गई, कि बाय कन्वेंशन हमने इसको जीरो ले लिया है, अब उससे भी अगर कम आएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर ओके। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन की टर्म में बात करेंगे डिक्रीज कर गया, फ्री एनर्जी की टर्म में बात करेंगे डिक्रीज कर गया, लेकिन जैसे यहां लिखेंगे वाटर पोटेंशियल वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल उसको रिड्यूस कर रहा है वो, हैंस इसीलिए ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, जितना भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब जाहिर सी बात है सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल दिया जाता है, जब सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल देगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए कह रहा है ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। ये आगे तुम्हारी एक लाइन, ये ट्रू होगी लाइन, हर एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, पानी से कम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, ये जो मैग्नीट्यूड वो जो वैल्यू उसकी कम हो गई है ना, लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन डिसॉल्व करने की वजह से सॉल्यूट को, इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना, उसने कितना उसका वाटर पोटेंशियल कम कर दिया है। अब बात समझना, यहां थोड़ी सी कहानी क्रिएट होगी, इसको क्या कहा गया वाटर पोटेंशियल, अब जाहिर सी बात है, अब समझना बात को, ये जो मैं कह रहा हूँ ना सॉलिड पोटेंशियल, अब इसके कुछ कम होगी, अब इसके साथ अगर मैं दूसरा बीकर जोड़ दूं जिसके अंदर सिर्फ पानी हो, तो अब मैं अच्छा जरा गौर से देखना, इसके अंदर अगर मैं एक चम्मच टी स्पून नमक डाल दूं तो पानी कुछ रफ्तार से इधर उधर भागेगा, अभी हमने पढ़ लिया इसका वाटर पोटेंशियल कम, इसका ज्यादा तो पानी यहां जाएगा, अगर मैं दो चम्मच डाल दूं तो इसका वाटर पोटेंशियल और कम हो गया तो पानी और तेज आएगा, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, -10, -20, -30, तो ये वैल्यू बहुत कम हो गई। अब मैं कहूं कि बताओ इस वाले बीकर को मैं इन तीन बीकर से अलग अलग जोड़ देता हूं तो सबसे ज्यादा तेज पानी कहां मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है यहां से यहां मूव करेगा, मूव यहां से यहां भी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा तेज यहां से यहां मूव करेगा। एक क्वेश्चन और अगर यहां से क्रिएट कर दूं मैं, अभी मैं बोल दूं अगर कि इन तीनों को मैं आपस में जोड़ दूं तो बताओ पानी कहां से कहां मूव करेगा, ये ऐसे जुड़े हुए हैं मैं इनको ऐसे जोड़ देता हूं लेट, ठीक है बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो रहा है। ये वो कहेगा कि एक का है -10, अच्छा चेंज नहीं हुआ, चलो जी चेंज कर लेते हैं कलर, हाँ एक का है -10, -20 और -30, क्या वाटर पोटेंशियल, और बोलेगा पानी कहां से कहां मूव करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यहां से भी यहां मूव करेगा, यहां से भी यहां मूव करेगा, और यहां से यहां मूव करेगा, है ना, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करेगा, क्लियर हुई बातें, ये क्लियर है बातें ये,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से और इत्मीनान से पढ़ना है। चले आगे। ओके, अब कह रहा है ठीक है, वर्ड सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इसीलिए हमेशा क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। अब कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट डाल दिया है इसको हमने सॉल्यूट पोटेंशियल बोल दिया है, एक्चुअली है तो इसका वाटर पोटेंशियल ही ना, ये एक का वाटर पोटेंशियल -30, एक का -20, एक का -10, चाहे इसको वाटर पोटेंशियल कह लो क्योंकि ये क्रिएट हुआ है सॉल्यूट की वजह से, चाहे इसे सॉल्यूट पोटेंशियल बोल लो। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर मोर नेगेटिव इज द साइएस, जितना ज्यादा सॉल्यूट डाल देंगे, मैंने बताया 1 टीस्पून 2 टीस्पून, उतना ज्यादा ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर मोर नेगेटिव इज द साइएस फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक सॉल्यूशन को रख दें, है ना, प्रेशर का फर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ही सॉल्यूट पोटेंशियल है। मैंने कहा ना ये जो वाटर पोटेंशियल इसका हो गया -30 सॉल्यूट की वजह से हो गया, तो चाहे इसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोल लो चाहे वाटर पोटेंशियल बोल लो, बात एक ही है। लेकिन ऐसा कब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो चेंजेस आ सकते हैं, तो चेंजेस आ सकते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये जो था टर्म थोड़ा सा यहां पर इस लाइन पैरा को बहुत कायदे से और अच्छे से समझना है, तुम लोगों को दिक्कत देता है ये। अब क्या हो, क्या कह रहा है, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर, प्योर वाटर के ऊपर प्रेशर लगाऊं और अ सॉल्यूशन या किसी सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया उसके ऊपर क्या लगाऊं, प्रेशर लगाओ, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, उसका वाटर पोटेंशियल क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इसको जरा नोट कर लेना कायदे से, वाटर पोटेंशियल मतलब इंक्रीज करने का मतलब है उसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली बात है तुम प्रेशर लगा रहे हो तो उसका मोशन उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बिल्कुल ध्यान से, प्रेशर जहां अप्लाई किया वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस और कह लो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बिल्कुल इस पॉइंट को मार्क करके अच्छे दिमाग में सेट कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। इट इज इक्वलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, वाटर को पंप करते हैं ना हम लोग, मोटर चलाई तो पानी में रफ्तार आ गई, पानी में रफ्तार आ गई तो क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्डअप, ठीक है, क्या सोच सकते हो जहां हमारी बॉडी जहां प्रेशर बिल्डअप होता है, प्रेशर का कैन बिल्डअप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट ड्यू टू डिफ्यूजन। अब अपनी बॉडी के बारे में तुम लोग सोचो, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, कमेंट करना मेरे को कहाँ ऐसा हुआ, क्या ऐसा होता है क्या। ओके, अब आगे बोल रहा है, प्रेशर कैन बिल्डअप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन, कॉजिंग अ प्रेशर बिल्टअप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक द सेल टारगेट। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या क्या रहा है, समझते हैं बात को। एक सेल है, ठीक है, और सेल का क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब जब इसके अंदर पानी घुसेगा, इसके अंदर पानी घुसेगा तो सेल जब घुसेगा तेजी से तो ये सेल क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, ये सेल फूल करके एकदम चिपकने की कोशिश करेगी पूरी पूरी, है ना। जब ये सेल इससे चिपकने की कोशिश मतलब तनाव आएगा तो ये जो सेल सेल की मेम्ब्रेन है ये इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बैलून ले लो उसे फूंक मारो तो वो हाथ के ऊपर क्या लगाएगा, ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएगा, तो उसी प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर कैन बिल्डअप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल, पानी जैसे अंदर करेगा सेल मेम्ब्रेन में तनाव आएगा और वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है, प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से पानी अंदर आता है, ठीक है, कॉजिंग अ प्रेशर, एक प्रेशर क्रिएट होता है बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट, कैसे पता चलेगा इस सेल वॉल पे कितना प्रेशर लगा रही है, इट मेक्स द सेल टर्जिट, ये सेल को टर्जिट फुला देती है, टाइट कर देती है, क्लियर है। ओके, सेक्शन दे रहा है कहां पे इसके बारे में जिक्र है, आगे क्या कह रहा है, दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, ये जो घटना घटी यहां पर चलो गौर से देखना, प्रेशर बढ़ रहा है तनाव लग रहा है ना, जैसे मान लो अब ये शर्ट है, मेरी शर्ट है और फूलने लगू, ठीक है, तो ये शर्ट में तनाव आ जाएगा, तो शर्ट के ऊपर मेरा शरीर जो प्रेशर मारेगा डेट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना, इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, वो कह रहा है ये जो, अच्छा भाई समझते, ये जो प्रेशर लग रहा था शर्ट के ऊपर तो मेरी बॉडी क्या हो गई, मैं कहूंगा मेरी बॉडी टर्जिड हो गई, क्या हो गई, टर्जिड। अब ये जो प्रेशर क्रिएट हो गया है इट मेक्स द सेल टर्जिड, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर पोटेंशियल, ये क्या इंक्रीज कर देता है, ये इंक्रीज करता है प्रेशर पोटेंशियल,
ठीक है, अब कह रहा है प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली पॉजिटिव दो इन प्लांट, नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम, ठीक है, इन द जाइलम। अब यहां पे इन्होंने एक बात बोलकर खत्म कर दी है, यहां तक प्रेशर पोटेंशियल की बात कर दी, क्या हो गया ये प्रेशर पोटेंशियल, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना, समझ लेना, जो हम प्रेशर लगाते हैं वो क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। और प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली पॉजिटिव, जनरली क्या होता है ये पॉजिटिव, मतलब इधर से पानी घुस रहा है तो प्रेशर आगे धक्का मार रहा है, प्रेशर लग रहा है। दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन, अब कह रहा है यद्यपि, तो प्लांट की जो नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप आ स्टेम, प्रेशर पोटेंशियल डोनेटेड बाय साइपी। कह रहा है जो जाइलम होता है ना, देखो जाइलम में क्या रहेगा, जाइलम में क्या रहता है, मान लो जाइलम का पाइप है, जाइलम पता है ना, एनाटॉमी पढ़ ली है, और ये पत्ता है, यहां से पानी जब उड़ गया, पानी जब उड़ गया तो इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, पानी उड़ गया तो यहां से खींचा पानी, यहां से खींचा ऊपर, यहां से पानी भर के आया था, ये सारा पानी क्या हो गया, गायब हो गया, सारा पानी क्या हो गया, गायब हो गया। अब गायब हो गया तो ये क्या हो गया, खाली हो गया, इधर पे ये क्या हो गया, खाली हो गया, पानी अभी यहां पर है, तो यहां पर जो पानी है तो सेल्स थे ना, ये यहां पर क्या थे, सेल्स हैं, एकदम नहीं कि पाइप इधर पूरा खाली कर दिया, यहां पर सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो यहां पोटेंशियल क्या कर जाएगा, पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। तो कह रहा है दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन, है ना, यहां पर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया पोटेंशियल, इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले ए मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ये वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर कह रहा है प्रेशर पोटेंशियल डोनेटेड बाय साई पी, प्रेशर पोटेंशियल को हम डोनेट करते हैं साई पी से, क्लियर है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि पानी यहां उड़ गया, तो अब पानी जब उड़ गया है तो इसके अंदर जो हम देख रहे थे अभी, ये सेल वॉल है, थोड़ा बड़ा बना दूं, ये सेल वॉल है, पानी जब उड़ जाएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो प्रेशर पोटेंशियल यहां क्या कर गया, डिक्रीज कर गया मेरा। इसके नीचे वाला सेल, मान लो ये नीचे वाला सेल है, नीचे जड़े हैं ये, यहां से पानी आ रहा है, जैसे पानी आएगा यहां प्रेशर पोटेंशियल कम है, नीचे प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है, धक्का मारेगा ऊपर, तो कहानी समझ में आ गई, प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहा है, फिर कह रहा है वो नेगेटिव है यहां पर, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पानी के ऊपर धक्का मारने में, चढ़ने में। ओके, वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल ये दोनों मिलकर के वाटर पोटेंशियल पे अफेक्ट डालती हैं, तो टोटल वाटर पोटेंशियल कितना माना जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो किसी भी सिस्टम का टोटल वाटर पोटेंशियल काउंट करने के लिए हमें उसका सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल अगर होगा तो ये नेगेटिव में रहेगा, और अभी हमने देखा कि प्रेशर पोटेंशियल जनरली हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो प्योर वाटर का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ये जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोस, ये उसकी रिलेशनशिप आ गई। तो थोड़ा सा बच्चों कुछ नहीं है इसमें, पोटेंशियल का जिक्र करके इधर उधर बातें पॉइंट इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई है, घुमाने क्या कोशिश की गई है, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा गया, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दोबारा से रिपीट करके पढ़ोगे तो ये और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वर्ड से सब लोग वाकिफ होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो देखते हैं यहां पर ऑस्मोसिस कैसे, किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ऑस्मोसिस में एक जनरल सी बात बता दूं, ऑस्मोसिस लेकर के जो अब तक तुम लोगों ने जाना है, समझा है क्या होता है। मान लो एक चैम्बर है, इधर देख लो, और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है अपने अंदर से जाने के लिए। किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट को। मान लो चैम्बर ए, चैम्बर बी, अब इसके अंदर पहले प्योर, दोनों के अंदर क्या था, प्योर वाटर था, ठीक है। मैंने क्या किया, एक के अंदर एक चम्मच नमक डाल दिया, जैसे एक चम्मच नमक डालूंगा तो यहां पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूट का, बात समझना। रियलिटी ये है, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है, उसमें मोलैरिटी पढ़ रखी है, कंसंट्रेशन पढ़ा होगा। तो कंसंट्रेशन का जो जिक्र होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में,
सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, डेफिनेशन में आने वाला है ये वाला जिक्र। अब इस बीकर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अब यहां पर वाटर नहीं बोल रहा है। जब भी हम साधारण बात करेंगे कि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, तो जब भी साधारण बोलते हैं कि कंसंट्रेशन किसी चीज का ज्यादा है, उसका मतलब होता है कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो फ्री वाटर कम हो गया, वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर गया, तो ऑटोमेटिक यहां से पानी यहां आना शुरू हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, वाटर जो पानी है मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। पानी का कंसंट्रेशन नहीं, जनरल भाषा की बात हो रही है, वाटर या सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई लो कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन कैसा लो है और यहां कंसंट्रेशन कैसा है ज्यादा है, किसके टर्म में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। ये कंसंट्रेशन की जो बात हो रही है वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हो रही है। बच्चा जब पीछे पढ़ता है कि वहां कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या था, फिर यहां पर ये बात कर रहे हैं, तो वहां पर कंसंट्रेशन के आगे पानी लिख दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसीलिए वहां पानी को कंसिडर कर रहे हैं, वो जनरल बात हो रही थी। ऑस्मोसिस में जब हम कंसंट्रेशन बोलते हैं तो किसका जिक्र होता है, सॉल्यूट, कहां पर सॉल्यूट ज्यादा है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लांट सेल, हमें पता है हर एक सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहां पर सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में। द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल पानी यानी सॉल्यूट वॉल्यूट सब जान देता अपने अंदर से, है ना, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंस, ये नोट कर सकते हो यहां पर, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन अगर डाल दो तो जो प्लांट सेल वॉल है वो अपने अंदर से सब कुछ जान देता है। Hence is not a barrier movement, barrier to movement. ये किसी भी टाइप के मूवमेंट के लिए बैरियर का काम नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करता, ये जाओ सब निकलो यहां से। इन प्लांट्स द सेल्स यूजली कंटेन अ लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, वैक्यूल पता है ना, देखो नहीं पता है सारी कहानी तो फिर बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 8 द सेल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इन प्लांट द सेल यूजली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, सबको पता होगा, उसके ऊपर की लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। हुज कंटेंट, इस वैक्यूल का जो कंटेंट है, हुज कंटेंट, जिसका कंटेंट, द वैक्यूलर सैप, वैक्यूल के कंटेंट का नाम क्या दिया गया है, वैक्यूलर सैप, कॉन्ट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। यहां पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये सेल, ये ऊपर की सेल वॉल, और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या है, ये ले लेते हैं वैक्यूल। अब होता क्या, वैक्यूल एक तरह का डस्टबिन होता है, प्लांट का जितना ही वेस्ट होता है ना वो सारा यहां लाके डाल देता है। अब जब यहां डाल देगा तो इसके अंदर क्या हो गया, साल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, साल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा यानी कि केमिकल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके अंदर का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो यही कह रहा है यहां पर ये, कि सेल के अंदर है ना कॉन्ट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल, जो सॉल्यूट पोटेंशियल का काम करेगा वो वैक्यूल के अंदर के मौजूद सब्सटेंस, वो सॉल्यूट पोटेंशियल का काम करेंगे यानी कि वाटर पोटेंशियल का काम करेंगे। बात समझ में आ गई, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, फंसते हैं बच्चे इसमें। इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एंड द, अब यहां से एक लाइन और नई लाइन बोल रहा है, इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सबसे ऊपर क्या है, सेल वॉल, सबसे ऊपर क्या है, सेल वॉल, फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, ये वैक्यूल है। क्लियर है बातें क्लियर हैं, ओके। अब बात को समझना, देखो बच्चों अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब सेल के बारे में नॉलेज तुम्हारी कम है, ठीक है, फिर बता दे रहा हूं। तो सेल को अच्छे से 2 मिनट लेंगे, जाकर फटाफट 5-10 मिनट रिवाइज कर लोगे पढ़ रखा है, और फिर आ जाओ इसके ऊपर, बात समझ में आ रही है, अदरवाइज यहां पर समझने में दिक्कत आएगी तुमको। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, क्या नाम है इसका, टोनोप्लास्ट, द टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन टूगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसको यहां से यहां अंदर जाना है, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। अब आगे आते हैं, दो मेम्ब्रेन जो डिसाइड करती हैं प्लांट सेल के अंदर किसको अंदर आना किसको बाहर जाना है, डेट इज
टोनोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, पॉइंट बना यहां पर। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिकली टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखा जाए जनरली कौन मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, तो पानी का डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये बात हुई थी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल इसका लो हो गया, इसका ज्यादा था। तो ऑस्मोसिस टर्म यूज टू रेफर स्पेसिफिकली फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर के डिफ्यूजन के लिए ही हम ऑस्मोसिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है, दोनों का मतलब एक ही है, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पता है ना, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है। ओके आगे देखते हैं, ऑस्मोसिस ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। ऑस्मोसिस कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाती है, तुमने सिचुएशन क्रिएट कर दी, यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया ज्यादा हो गया, ऑटोमेटिक होने लगेगी, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, जैसे रेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। द नेट डायरेक्शन ऑस्मोसिस की जो नेट डायरेक्शन होगी एंड जो रेट होगा ऑस्मोसिस का डिपेंड्स ऑन द बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक चम्मच 10 चम्मच नमक डाल दूंगा बहुत तेज़ी से पानी जाएगा, बहुत चुटकी भर नमक डालूंगा तो बहुत धीमा पानी जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर का डिफरेंस कितना है दोनों में। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लेना, ऑस्मोसिस का रेट और डायरेक्शन दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर का डिफरेंस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन का डिफरेंस। क्लियर होगी बातें। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाल दी 10 चम्मच और यहाँ भी डाल दी 8 चम्मच, तो डिफरेंस तो दो का ही रहा ना, फिर ज़्यादा तो रहा ही नहीं, तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल है ना और कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन। देखो फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर यानी कि पानी की बात हो रही है यहां पर किसकी बात हो रही है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का यहां पर जिक्र हुआ ना, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो यहां पर केमिकल पोटेंशियल हटा दें तो क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन कह रहा है, पानी मूव करेगा फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, अपने हायर कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन कहां जाता है, तो उसके लिए केमिकल पोटेंशियल एक वर्ड बोल दिया गया है, ठीक है ना, टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। यहां पर केमिकल सॉल्यूट की बात नहीं हो रही जो मैं यहां समझा रहा था, ये वो नहीं है, यहां पानी के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। एट इक्विलिब्रियम टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम में वाटर पोटेंशियल सेम हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम वाटर पोटेंशियल शुड बी सेम और लगभग बराबर आ जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले आगे, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना, आगे आते हैं, मार्क वो लाइन करवा रहा हूँ इसको कंफ्यूज कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है, यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर, है ना, ऑस्मोसिस नापने के लिए पोटैटो ऑस्मोमीटर स्कूल वगैरह बनवाते थे इन योर अर्लियर क्लासेस इन स्कूल, इफ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड, आलू को पानी में रख दें, द वाटर एंटर द कैविटी इन द पोटैटो, तो घर में ही पानी को ले अगर आलू काटना, आरओ का जो पानी होता है उसमें रखना और चेंजेस देखना, ठीक है, इफ द पोटैटो ट्यूबर जो पोटैटो होता है प्लेस इन वाटर, द वाटर एंटर द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब आलू के अंदर क्या है, सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर क्या है, सुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ कंसंट्रेशन कम क्या है, पानी का कम है, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन कम है, ये दो बातों को ध्यान रखना, तो बाहर से पानी आलू के सेल के अंदर घुसना शुरू कर देता है, ओके, ड्यू टू ऑस्मोसिस, यही बात यहाँ बता रहा है। स्टडी फिगर 11.3 इन विच द टू चैम्बर्स ए एंड बी, कह रहा है फिगर को स्टडी करो, ये बच्चा बड़ा कन्फ्यूज रहता है इसमें, करते हैं इसको, कंटेनिंग सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाई अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑब्वियस ही बात है जिसके अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम किसके अंदर होगा, पीछे किया था याद है,
-10 -20 तो 20 वाला ज्यादा कम माना जाएगा, यानी कि इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। तो सॉल्यूट कहां ज्यादा है, ये रहा पहले का आंसर। तो पहले का आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, चैम्बर बी। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल कम, लोअर वाटर पोटेंशियल और लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। भाई बात तो एक ही है, चाहे वाटर पोटेंशियल कहो चाहे सॉल्यूट पोटेंशियल कहो, बात तो एक ही है, बोलने का तरीका है। अगेन क्या आ जाएगा, बी लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर, पानी ए से कहां जाएगा, बी में जाएगा, क्योंकि यहां पे पानी ज्यादा है यहां पानी कम है। विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा कहां पर है, -20 -10 में कौन बड़ा है, -10 बड़ा है तो हायर में कौन आ गया, ए आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल, अब इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों का वाटर पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम आएगा, तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, नो ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे अभी हमने पढ़ा था, पानी तब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल, तो यहां पे क्या आंसर आएगा, बोथ हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। अब देखो, इफ वन चैम्बर हैज साई ऑफ -2000 किलो पास्कल एंड अदर हैज -1000 किलो पास्कल, which is the chamber that has the higher psi, तो water potential किसका ज्यादा हो जाएगा, higher किसका होगा, हमें पता है बहुत अच्छे से, हम लोग इसको measure किस में करते हैं, water potential को हम लोग किसे measure करते हैं, pascal में ना, pressure में measure करते हैं, याद आ रही वाली बात। ये देखो यहाँ पे आ जाए, कहाँ था, pressure ठीक है ना। water potential is denoted by Greek symbol psi and is expressed in pressure unit as pascal, ठीक है। तो अब बात क्लियर होगी होगी, हम लोग इसको किस में नापते हैं, पास्कल में नाप रहे हैं। तो मान लो एक का क्या है, जो किलो पास्कल मतलब क्या है, ये क्या चीज है, एक तरह का वाटर पोटेंशियल ही तो है, ये भी क्या है, वाटर पोटेंशियल है, तो ये मोर नेगेटिव है, सॉरी ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, तो ये वैल्यू ज्यादा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, चैम्बर हैज द हायर साई, हायर साई किसका आ जाएगा, 1000 वाले का आ जाएगा ठीक है, जिसके पास -1000 होगा उसका साई ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। What will be the direction of the movement of water when two solution with water potential 0.2 MPa and side value 0.1 MPa are separated by a selectively permeable membrane? तो अब सिंपल हो गया, मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। What will be the direction of the movement of water? एक तरफ कितना है water potential 0.2 और एक तरफ क्या है 0.1, तो वो ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, automatic चीज़ों को सेट कर लेंगे कि कौन सी चीज कहां पे मूव कर रही है। तो ये बात समझ में आ रही होगी ये कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले आगे, ओके, लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज। अब कह रहा आओ एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमने क्या किया, एक फनल लिया, उसके अंदर सक्रोज का सॉल्यूशन भरा और यहां लगा दिया मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या लगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा करके रबड़ से इसको बांध दिया इस तरीके से और इसको एक प्योर वाटर में डाल दिया ठीक है। तो यही कहानी यहां बता रहा है, आप समझते हैं। लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज इन वाटर टेकन इन अ फनल, एक फनल में ले लिया गया है, इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर वाटर, जिसको प्योर वाटर से सेपरेट किया गया है इन अ बीकर बाय अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, फिगर 11.4 ओके। You can get this kind of membrane. ये जो मैं अब बता रहा है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर करना चाहो तो कहाँ से मिलेगी, तो अंडा देखा है, अंडे को बॉईल करो तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन से निकलती है, तो बॉईल करने के बाद तो बेकार सी हो जाती है, तो उसको निकालें कैसे, तो तरीका दे रखा है, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एन एग, एक अंडे में इस मेम्ब्रेन को तुम निकाल सकते हो, रिमूव द योक एंड एल्ब्यूमिन थ्रू अ स्मॉल होल, छोटा सा होल कर दो है ना, उसके अंदर से पूरा जो अंदर का येलो पार्ट होता है और जो बाकी लिक्विड है उसे बाहर निकाल दो, एंड प्लेस द शेल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लो और बाद बाकी जो छिलका था पूरा उसके अंदर डाल दो फॉर अ फ्यू आवर, एक दो घंटे के लिए, द एग शेल डिजोल्व, जो ऊपर का शेल होता है कड़ा वाला फाइट वाइट, वो डिजोल्व हो जाएगा, लीविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट, बाद बाकी मेम्ब्रेन पूरी वैसी की वैसी रह जाती है, उस मेम्ब्रेन को धीरे से बाहर निकाल लो और उस मेम्ब्रेन को हम लोग अब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सावधानी से करना होता है। अब क्या कह रहा है, ये तो बता दी उसने बात कि मेम्ब्रेन कैसे निकालोगे, अब कह रहा है वापस आ जाते हैं, जब हमने ये सारा सेटअप कर दिया है
कह रहा है वाटर विल मूव इनटू द फनल, ऑब्वियसली बात है इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, यानी कि इसमें सक्रोज पड़ा हुआ है, या यूं कह लो कि इसके अंदर का वाटर पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है तो पानी यहां से मूव करेगा। वाटर विल मूव इनटू द फनल, ठीक है, ओके, रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे जैसे इसके अंदर पड़ेगा तो ये लेवल क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, है ना इसका लेवल, ठीक है। दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच, ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम आ नहीं जाता है। अब क्या कह रहा है, इनके सक्रोज डस डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, कह रहा है अगर सक्रोज डिफ्यूज आउट हो रहा है, बाहर निकल के आ रहा है मेम्ब्रेन से, विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहां पर वो बोल रहा है कि इन केस अगर सक्रोज बाहर निकल के आ रहा है, अगर सक्रोज बाहर निकल के आ रहा है इसका मतलब ये मेम्ब्रेन अब फट चुकी है, अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं रह गई है, तो उस केस में तो इक्विलिब्रियम कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, नहीं फटी नहीं है तब भी निकल रहा है, तो ठीक है वो धीरे धीरे निकलेगा, थोड़ी देर बाद पहुंचेगा तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अगर सक्रोज निकल रहा है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से सॉल्यूट को कभी भी निकलने नहीं देती है, हमसे सॉल्वेंट निकलेगा, तो यह दो कंडीशन है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कह लो यहां पर। तो एक कंडीशन हम ये मान के चलें कि अगर वो सक्रोज निकल रहा है तो मेम्ब्रेन फट चुकी है, और मेम्ब्रेन फट चुकी है तो इक्विलिब्रियम कहीं भी रीच नहीं होगा, और इन केस अगर नहीं फटी है तब भी हम कह रहे हैं कि चलो निकाल लो भैया थोड़ा सा सक्रोज, तब भी निकल के आ रहा है तो ठीक है, एक टाइम के बाद सक्रोज यहाँ आएगा, थोड़ा पानी यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर होगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो दोनों केस हैं इसके, कभी कोई पूछता है तो पूछ लेना क्या मेम्ब्रेन फटी है कि नहीं फटी है, बता दो पहले, फट गई है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और नहीं फटी है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल, अब देखो क्या कह रहा है, जब इसका लेवल बढ़ रहा था उसी समय अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा करके इसके पानी को ऊपर बढ़ने से रोकूं, ठीक है ना, तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है जिस प्रेशर से पानी अंदर घुस रहा होगा उतना ही प्रेशर मेरे को ऊपर लगा करके उसके पानी को बढ़ने से रोकना होगा। तो कह रहा है एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड, लगाया जा सकता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच डेट नो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द फनल, इतना प्रेशर लगाएंगे कि पानी इस फनल के अंदर ना घुसे थ्रू द मेम्ब्रेन। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग, इनफैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर जरूरत है रोकने के लिए, दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, ये जो प्रेशर लगाया जा रहा है पानी को रोकने के लिए जो डिफ्यूज हो रहा है उसके अंदर फनल के अंदर, इनफैक्ट रियलिटी में इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यही क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, हमको उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा कितना प्रेशर लगाना होगा, यहां जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा उतना तेजी से पानी अंदर जाएगा, तो हमें भी बदले में उतना ही तेज प्रेशर ऊपर से लगाना पड़ेगा। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लाइन है, कह रहा है यहाँ मैथ कस्टम इस्तेमाल हो गया है, हम बोलते हैं ना x इज द फंक्शन ऑफ y, इस तरह से बात करते हैं ना, a इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ कह रहा है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन पर, मोर द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर, जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, कि पानी उसके अंदर ना चला जाए, जितना ज्यादा यहां सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा पानी तेजी से अंदर घुसेगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसका फंक्शन है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का, क्लियर होगी बात ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। न्यूमेरिकली बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, बट द साइन इज अपोजिट, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर धक्का लगा रही है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब मैं कह रहा हूं इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसकी पानी खींचने की क्षमता ज्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि धक्का लगाना, ठीक है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं कहूंगा इसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये धक्का लगा घुस रहा है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करूंगा इसके बारे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जितना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट ये टर्म क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव,
प्रेशर धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, ये पानी को पुश करता है, पोटेंशियल पानी को पुल करवाएगा, ठीक है ना। साफ साफ लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है, बट द साइन इज अपोजिट, साइन दोनों का अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव, ये नेगेटिव पोटेंशियल जो पानी को खींचेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो पानी कितना सॉल्यूट डाल दिया है उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया है, अब वो पानी खींचेगा, और प्रेशर मतलब धक्का लगाएगा। क्लियर है बातें, बात समझ में आ गई। ये चीज़ें कुछ बड़ी ही ट्रिकी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो समझना और करना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। खैर आगे आते हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो बिहेवियर है, और टिश्यू, प्लांट सेल को लेकर टिश्यू कह लो, विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट, प्लांट सेल और टिश्यू का बिहेवियर है जो पानी के मूवमेंट को लेकर के डिपेंड करता है सराउंडिंग सॉल्यूशन पे, उसके आसपास का सॉल्यूशन कैसा है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेट एसिटोनिक। ओके, अब यहां तुम लोगों को एक मैं बात बता दूं, समझना आसान हो जाएगा। एक बीकर ले लो, तीन बीकर ले लेते हैं, चलो फिर कह रहा हूं मैं, मोलैरिटी ये क्या है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म्स हैं। हम मैं उसी कंसंट्रेशन की बात करूंगा, मैं बोल देता हूं यहां पर मैंने एक सेल डाल दिया, क्या डाल दिया, सेल। अब सेल डाल दिया तो सब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भी है, उसका कुछ कंसंट्रेशन है। अब यहां पर जो सॉल्वेंट है ना, ये मैं कह रहा हूं, ये इसको बोल देता हूं मैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सेल, ठीक है। तो होगा क्या, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन सेल से कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहां पर फ्री वाटर कम है। जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी यहां से यहां निकल के आएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन इस बार क्या है, कम है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, किसके, सेल से। तो होगा क्या, यानी कि यहां पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी यहां से यहां मूव कर जाएगा, सेल फूलेगा। अब अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो पानी कहीं मूव नहीं करेगा, ये कहते हैं जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा। तो जब सराउंडिंग का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक्स। कैसा सॉल्यूशन है ये, हाइपरटोनिक। जब इसका कम है तो इसको मैं क्या कहता हूं, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, सराउंडिंग का कंसंट्रेशन सेल से कम है तो हाइपरटोनिक, जब दोनों बराबर है तो इसको मैं क्या कहता हूं, आइसोटोनिक। क्या कहता हूं इसको मैं, आइसोटोनिक। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखो यहां पे यही बात कर रहा है, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। ये बैलेंस कर रहा है ऑस्मोसिस को, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को, जितना ये लगा रहा उतना ये लगा रहा, दोनों बराबर हो गए। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डायल्यूट, ज्यादा डायल्यूट है यानी कंसंट्रेशन कम है, देन द साइटोप्लाज्म इट इज हाइपोटोनिक, एंड इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड याला केस इट इज हाइपरटोनिक। सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, इसके अंदर पानी घुसेगा तो फूल जाएगा ये, और इसके अंदर से जब पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक। चले आगे, तो प्लाज्मोलिसिस क्या चीज है, तो आओ समझते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या है। प्लाज्मोलिसिस ऑकर व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, कह रहा है पानी जब सेल से बाहर आता है, प्लाज्मोलिसिस कब होती है, व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। होगा क्या, ये सेल वो है, सेल वॉल है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो ऑलमोस्ट ऐसी चिपकी सी रहती है, मैंने बताया था ना, वो ऐसी क्या है, चिपकी हुई है। जब पानी यहाँ से बाहर आ गया तो होगा क्या, मैं बताता हूँ, कुछ जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ कुछ जगह चिपकी रहेगी,
कुछ कुछ जगह ऐसी हो जाएगी। तो यानी कि ये सेल वॉल का साथ छोड़ देगी, जगह जगह पे चिपकेगी, बाकी सब साथ छोड़ देगी। ये क्या कर गया, श्रिंक कर गई। इसी को क्या कहा गया है, प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहा गया है, प्लाज्मोलिसिस। फिर से पढ़ते हैं, प्लाज्मोलिसिस ऑकर व्हेन वाटर मूव्स। प्लाज्मोलिसिस होती है जब पानी मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर मूव करता है, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल वॉल, सॉरी एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक। ये क्या कर गया है, श्रिंक कर गया है, अवे फ्रॉम इट सेल वॉल, सेल वॉल से अलग अवे हो गया है, और क्या कर गया है, श्रिंक कर गया है। क्लियर है बातें। दिस ऑकर्स व्हेन, ये होता है जब, व्हेन द सेल और टिश्यू, ये कब होता है, व्हेन द सेल और टिश्यू प्लेस्ड इन सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक। प्लाज्मोलिसिस कब होगी, देखो प्लाज्मोलाइज सेल को यहां दिखा रखा है, इसने सेल वॉल को छोड़ दिया है, पानी बाहर निकल गया और क्या हो गया, जगह जगह छोड़ के ऐसा कुछ दिखने लगा है, सुकड़ गया है ये। जब इसको हम लोग क्या रखेंगे, हाइपरटोनिक। बाहर कैसा सॉल्यूशन होगा, ये हाइपरटोनिक, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, टर्जिड, यानी कि पानी अंदर घुस रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा बाहर सराउंडिंग में, और ये कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे अब, ओके, हाइपरटोनिक मतलब हैज मोर सॉल्यूट, बाहर के सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट है कंपेयर टू सेल और कंपेयर टू प्रोटोप्लाज्म। वाटर मूव्स आउट, पानी बाहर आ जाएगा, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, क्योंकि प्लांट के अंदर अंदर क्या है, वैक्यूल भी है, तो फर्स्ट, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल, और उसके बाद ये वैक्यूल से पानी बाहर निकलना स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, मार्कर लेना, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस जब होता है तो पहले कहां से पानी निकलेगा, फिर पानी कहां से निकलता है। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल, जब पानी बाहर निकाला जा रहा है, ड्रॉन आउट, बाहर निकल रहा, आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पानी क्या हो रहा है, द वाटर व्हेन जब ड्रॉन आउट होता है ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन थ्रू क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है ये, ठीक है, इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल, यानी यहां आ गया, सेल के बाहर आ गया, ओके, causes the protoplast to shrink away, इसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, छोड़ देता है यहाँ पर, फ्रॉम द वॉल, इसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट जगह जगह से छोड़ देगा, श्रिंक अवे हो जाता है, सुगड़ जाएगा। द सेल इज सेट टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, इस अवस्था में, इस केस में सेल को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड। द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो पानी का मोशन होता है पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल दैट इज द सेल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो यहां से निकल निकल के कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, यहां से निकल निकल के बाहर आ रहा है, क्लियर है। तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ ये मूव कर रहा है, क्लियर, चले आगे, ओके। अब क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज सेल, कह रहा है यहां पर क्या होगा, ये है ना, ये सेल वॉल और यहां ये जगह खाली हो गई, यहां पर क्या होगा, तो यहां कुछ नहीं होगा, यहां पर यही तुम्हारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, यही जाके भर जाता है यहां पर, तो लिख लो इसका आंसर, अगर नहीं पता है तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। When the, अब क्या कह रहा है, when the cell or tissue is placed in isotonic, isotonic मतलब जो दोनों तरफ बराबर है, there is no net flow of water towards the inside or outside, कह रहा है कोई भी net flow, net flow मतलब एक तरफा, पानी flow तो कर रहा है, एक हो रहा है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर आ रहा है, motion तो है but net flow नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा जा रहा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 10 ml बाहर निकल रहा है, 8 ml अंदर जा रहा है, तो मैं कहूंगा नेट 2 ml पानी लगातार बाहर जा रहा है, जीत रहा है ना, 10 बाहर जा रहा है, 10 ही अंदर आ रहा है, तो नो नेट फ्लो, ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज करता है, कहता है एनसीईआरटी तो लिखा कि पानी फ्लो नहीं कर रहा है, नेट पानी फ्लो नहीं कर रहा है, कहां गया, देयर इज नो नेट, इसलिए यहां लिखा है नेट, पानी का फ्लो तो हो रहा है ना, देखो यहां पे साफ साफ है, डबल एरो लगा हुआ है, पानी अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, लेकिन जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, नेट नहीं है,
यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें क्या लगता है पानी बाहर जा रहा अंदर जा रहा होगा? यहाँ पे 10 ml बाहर जा रहा था, 0.01 ml अंदर जा रहा होगा, ना के बराबर। तो नेट फ्लो क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, तो नेट कहा गया यहाँ पर, है ना। एक 10 N फोर्स लग रही है, एक 8 N फोर्स लग रही है, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 2 N इस साइड में। समझ में आई बात, गुड। तो नेट लिखा हुआ है, पानी का मोशन है, ठीक है ना, दोनों तरफ हो रहा है, जीरो नहीं है कि पानी मूव नहीं कर रहा, पानी मूव कर रहा है अंदर ही बाहर भी, लेकिन जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इसको IMP करके लिख लेना, बच्चा कंफ्यूज करता है यहाँ पर। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी, ये डेफिनेशन पक्का पढ़ लेना, अगर बाहर का जो सॉल्यूशन है बैलेंस कर लेता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को जो वो बाहर निकलना चाह रहा है, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, देखो फिर कह रहा है, जब ऐसी कंडीशन हो रही है जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर, उतना ये तो नहीं बोल रहा जितना बाहर जा रहा है, कह रहा है फ्लो करता है इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में यानी कि जितना बाहर उतना अंदर। द सेल आर सेड टू बी फ्लैसिड, फ्लैसिड ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्लैसिड कहते हैं, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसिड। प्लाज्मोलाइज्ड सेल समझ में आ गया, फ्लैसिड सेल समझ में आ गया, आइसोटोनिक कंडीशन में फ्लैसिड सेल होगा, आइसोटोनिक कंडीशन में फ्लैसिड सेल होगा। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूजली रिवर्सिबल, ये कैसी है रिवर्सिबल, अब कहानी कह रहा है यहाँ से जो पानी निकल गया ना कोई बात नहीं है, हम इसको कहाँ रख दें, हाइपोटोनिक में, तो पानी फिर अंदर घुसेगा, ये सेल पूरा तन जाएगा, पूरी मेम्ब्रेन देख दे, सेल मेम्ब्रेन जाकर के सेल वॉल से चिपक गई है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजली जनरली रिवर्सिबल होता है, जनरली ऐसे नहीं अगर डेथ ही हो गई है पूरा पानी निकल गया तो नहीं होगा, ठीक है, जिंदा होना चाहिए। When the cells are placed in hypotonic solution, कहाँ रख दिए गए हैं, hypotonic solution में, higher water potential और dilute solution as compared to the cytoplasm. Hypotonic का मतलब जिसका water potential ज्यादा हो या वो dilute हो, किसके कंपेयर में, cytoplasm के कंपेयर में dilute हो, dilute का मतलब समझते हो ना, गुड। Water diffuses into the cell, water diffuse करेगा सेल के अंदर, water diffuses into the cell, okay? वाटर डिफ्यूज इन टू द सेल कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ट अप अ प्रेशर, वही वाली कहानी आ गई यहाँ पर, ये है ना, अब साइटोप्लाज्म जो होगा अंदर तनाव, मैंने क्या कहा था मेरे अंदर पानी भरेगा तो तनाव आएगा, शर्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो साइटोप्लाज्म मेरी बॉडी फूल रही है शर्ट के ऊपर एक प्रेशर डालेगी, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप अ प्रेशर, एक प्रेशर को बिल्डअप करवाएगा अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट में एक प्रेशर को बिल्डअप कराएगा, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रेशर को जब ये फूल रहा होता है और सेल वॉल पे धक्का मार रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल, जब पानी एंटर कर रहा है उसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट फूल रहा है और वो सेल वॉल पे प्रेशर मार रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। ये प्रेशर पोटेंशियल बच्चों जो ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग वहां पे पूरी तरह डिफाइन नहीं था, अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल काफी ठोस होता है, तो ऐसा नहीं है कि सेल बढ़ता जाएगा ना, नॉर्मल जो ह्यूमन सेल होता है वो फट जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट की होती है बढ़ने के बाद जाके चिपक गई यहां से, अब सेल वॉल मजबूत होता है वो उसको और बढ़ने नहीं देता है तो वो फटता नहीं है। तो कह रहा है इसीलिए बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल काफी रिजिड होता है, ठोस होता है, द सेल डज नॉट रप्चर, सेल फूटेगा नहीं। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल के एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट के लिए ये टर्गर प्रेशर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब कह रहा है वट वुड बी द टर्गर प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल, अब फ्लैसिड सेल में क्या होगा, जितना अंदर उतना बाहर, जीरो हो गया। Which organism other than the plants possess cell wall? तो इसमें पता ही शायद फंजाई है ना, फंजाई सेल वॉल बैक्टीरिया में भी तो होती है, तो बैक्टीरिया आंसर आ जाएगा इसका, और क्या आ जाएगा, एंड फंजाई आ जाएगा, इनके पास क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, क्लियर है। तो ये जो वाटर पोटेंशियल का टॉपिक था थोड़ा सा बच्चे को पेचीदा है, ठीक है, ऑस्मोसिस में भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ऑस्मोसिस बहुत से बच्चों को पहले से पता होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ये थोड़ा सा हमको समझना था। अब इसमें टॉपिक आता हमारे पास इम्बाइब है ना, कोई चीज को सोखना है लेना, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी एक डिफ्यूजन का प्रकार है, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का प्रकार है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है,
ठीक है, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड सोखा जाता है बाय द सॉलिड, है ना, जैसे कि तुम लकड़ी को पानी में डाल दो लकड़ी फूल जाती है, तो लकड़ी सॉलिड थी, ठीक है ना, चने को पानी में डाला चने ने पानी सोखा सॉलिड था, तो ये सब प्रोसेस किसकी होती है, इम्बाइबेशन को होते हैं, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, जब सॉलिड क्या होता है सॉलिड कोलाइड, तो सॉलिड कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड पता ना, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो सॉल्यूशन आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं, क्लियर है, अभी सिर्फ समझ लो कोलाइड्स क्या है, जिन बच्चों जो लोग ट्वेल्थ कर चुके हैं वो लोग किसका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 उसमें कोलाइड है, क्लियर हो गया कोलाइड क्या होते हैं, और जो बच्चे अभी 11th में कोलाइड नहीं समझ पा रहे हैं, सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि पानी में नमक डाल दो तो पूरा घुल जाता है पानी आर पर, समझ में नहीं आता उसके अंदर नमक है या नहीं है, फिर पानी में डाल दो रेत हिलाओ तो सस्पेंशन कहलाता है, और उसके बीच में एक आता है जिसमें हमें समझ में नहीं आता इसके अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिला हुआ है कि नहीं, जैसे कि दूध, अब प्योर दूध जो तुम निकाल रहे हो किसका, भैंस का है गाय का बकरी का किसी का भी, तो बताओ उसके अंदर पानी होता कि नहीं होता, कि दूध होता है, तो रियलिटी ये है वो पानी के अंदर ना बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं, वो उसको दूध को हम कोलाइड कह सकते हैं, दूध को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलाइड कह सकते हैं, ठीक है ना, तो सॉलिड्स और कोलाइड, तो कह रहा है सॉलिड कोलाइड जो होते हैं, सॉलिड है कोलाइड है लेकिन सॉलिड है, सूख गया पानी उसके अंदर से निकल गया था कोलाइड, ठीक है, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है, द क्लासिकल एग्जाम्पल्स, क्लासिकल एग्जाम्पल सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो है एम्बाइबेशन का आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स, तो बता रहा था मैं बीज, एंड ड्राई वुड जो सूखी लकड़ी होती है उसका पानी का सोखना क्या कहलाता है, एम्बाइबेशन कहलाता है, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, द प्रेशर डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड, वुड के स्वेलिंग फूलने से स्वेल होने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा हैड बीन यूज्ड बाय प्री हिस्ट्रिक मैन, अच्छा ये भी कोई खास नहीं है, प्री हिस्ट्रिक मैन मतलब जो पुराने आदिमानव टाइप के थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे, टू स्प्लिट रॉक, चट्टान होती थी मान लो बड़ी सी चट्टान है उसमें हल्की सी दरार है ये, ठीक है, और अब इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसके बीच में क्या करते हैं, लकड़ी फंसा देंगे इस टाइप से, क्या फंसा देंगे, लकड़ी, और लकड़ी में क्या डालेंगे, पानी, लकड़ी फूलेगी और चट्टान टूट जाएगी, स्प्लिट रॉक्स एंड बाउल्डर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को तोड़ने के लिए, इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबेशन सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल, कह रहा है कि अगर प्रेशर इम्बाइबेशन का ना हो तो सीडलिंग जो बीज होते हैं वो नॉट बी एबल, वो सक्षम नहीं होगी कभी भी टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन, सॉइल से वो बाहर निकलने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी, है ना, उसमें पानी ज्यादा फूलता है तो वो अंदर किल्ला फूटता है फिर वो बाहर निकल के आता है, दे प्रोबली वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टैब्लिश, ठीक है, कह रहा है वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो कहानी समझ में आती है हमें, इम्बाइबेशन नहीं होगा तो सीडलिंग कह लो एक तरह से अपने आप को सॉइल से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इम्बाइबेशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन, ये भी क्या है, डिफ्यूजन का ही रूप है, ध्यान रखना सब क्या चल रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी का मूवमेंट क्या होता है, वाटर मूवमेंट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लो जा रहा है, बीच में पानी कम है बाहर ज्यादा है, बाहर से अंदर जा रहा है, द सीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, सीड और सीड जैसे मटेरियल में लगभग पानी नहीं होता है, हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली, इसीलिए ये पानी को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट जो सोखेगा, लिख लेना हिंदी में, जो सोखेगा एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड, जो लिक्विड इम्बाइब होगा सोखा, जो पानी सोखा जाएगा इज इसेंशियल फॉर इम्बाइबेशन, ठीक है ना, जो लिक्विड सोखा जाना है यानी कि पानी, और जो सोखेगा उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होगा पानी का पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कैसे होगा, इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड ऑल्सो प्री रिक्विजिट, ये दो कंडीशन, टू कंडीशन हम यहाँ नोट कर सकते हैं, किसके लिए, इम्बाइबेशन के लिए टू कंडीशन क्या है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना एंड एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, यानी एफिनिटी मतलब उसको ऐसा नहीं, मान लो तुम बीज को तेल में डाल दो ऑयल में तो क्या सूखेगा, नहीं सूखेगा ना, वो भी तो लिक्विड है, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको वो एफिनिटी हो, जिसके लिए उसका लगाव हो, उसको सोख सके वो,
ठीक है। तो ये कंडीशन थी यहाँ पे इम्बाइबेशन की। तो ये सारी बातें कौन कौन चीजें, सारी चीजें लगभग डिफ्यूजन के अंदर ही थी, कुछ अलग नहीं थी। ऑस्मोसिस वो भी डिफ्यूजन का प्रकार है, इम्बाइबेशन वो भी डिफ्यूजन का प्रकार है, पोटेंशियल, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 11.3, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है उसको चाहो तो लेक्चर को थोड़ा रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज कोशिश करते चलना। साइड में एनसीईआरटी में जगह होती है, मेन मेन चीज क्या करोगे, साइड में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलोगे ना, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो मजा आ रहा होगा एनसीईआरटी पढ़ने में, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करें, ओके। और कहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो भी कमेंट करें कि सर यहाँ पे ये लाइन क्लियर नहीं हो पा रही अच्छे से, या कोई दिक्कत है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा, या उन पॉइंट्स के लिए छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा मैं, और वो सारी चीजें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? तो क्या करना है, रिविजन, रिविजन ही है सिलेक्शन। क्लियर? रिविजन से ही होगा सिलेक्शन। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।